आज मैं आपको अपने स्टाइल से पास्ता बनाना सिखाऊंगी। लेट्स टी स्पून अमूल बटर लिया है, मीडियम फ्लेम पे मैं इसे मेल्ट कर रही हूँ। ये मेल्ट हो रहा है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 और 2 स्पून ऑफ मैदा। अगर आपको लगे बटर कम है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। इसे मुझे मीडियम फ्लेम पे हल्का ब्राउन करना है। हिलाते रहना है कॉन्टिन्यूसली। ये देखिए भुन गया है, 2-3 मिनट मैंने इसे हिलाया था। अब मैं इसमें आधा गिलास नॉर्मल टेम्परेचर पर जो दूध था वो मिक्स कर रही हूँ, और साथ के साथ मुझे इसे हिलाना है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी लम्स पड़ जाते हैं। कॉन्टिन्यूएशन में हिलाना है मुझे इसे। ये बन रही है व्हाइट सॉस। फुल फ्लेम पे मुझे इसे हिलाते रहना है। ये थिकन होना स्टार्ट हो गया है, देखिए। ये मैंने आधा कप दूध डाला था, मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने 1/3 ग्लास मिल्क का यूज कर लिया है। अब मैं इसे बंद कर रही हूँ। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली है। यहाँ मैंने पेने पास्ता लिया है जो कि अप्रोक्सीमेटली 250 ग्राम क्वांटिटी है जो मैं बॉईल कर रही हूँ। बॉईल करते समय इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर 1 सर्विंग स्पून यहाँ मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया है। यहाँ मैंने 2 से 3 प्याज हैं जिन्हें फाइनली चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे मैं इसे चला रही हूँ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ मैं बेसिक सिर्फ 2 ही वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ, जुकूनी और ये हरी शिमला मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो मर्जी ऐड कर लीजिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिज्जा ऑरिगेनो एंड बेसिल हर्ब्स। हर्ब्स ऑप्शनल है। 5 टमाटर की प्यूरी बना ली है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसे मुझे 7 से 8 मिनट हिलाना है। बीच बीच में मैं इसे हिला रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। ये 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें जो ये मैंने व्हाइट सॉस बनाई थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। स्लो फ्लेम है एकदम। अगर आप व्हाइट सॉस नहीं बना रहे तो आप रेडीमेड म्यूलीज भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। व्हाइट सॉस मिक्स हो गई है। यहां मैंने लिया है 1 बाउल ग्रेटेड चीज। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम ज्यादा डाल सकते हैं। चीज सारा मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ये जो मैंने बॉयल पास्ता है ये मिक्स कर दिया है, मैंने हिलाया है। अब ये रेडी है सर्व के लिए। अभी ये बन गया है। आप इसे चीज के साथ गार्निश कर सकते हैं और गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल रेडी है।